हे गाइस, नवाज़ीर फ्रॉम nerdhorn.com और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBO Max स्पेशल सीरीज रेज्ड बाय वुल्व्स के बारे में। शुरू करने से पहले माइल्ड स्पॉइलर वार्निंग, इस वीडियो में हम रेज्ड बाय वुल्व्स के प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं, तो माइनर स्पॉइलर अलर्ट। डोंट वरी, एकदम डिटेल्स में जाकर ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करने वाला मैं, बस इसका बेसिक सिनॉप्सिस वगैरह, ये शो क्या है, किसने बनाया, कैसे बनाया और आपको ये क्यों देखना चाहिए वो सब। ओके, माना कि इस शो का नाम रेज्ड बाय वुल्व्स है, बट इसमें आपको कोई एक्चुअल भेड़िए नहीं देखने मिलेंगे। ये बस एक टाइप का स्लैंग है। रेज्ड बाय वुल्व्स मतलब ऐसा इंसान जो जानवरों के बीच पला बड़ा है। इस केस में ऐसा इंसान जिसे रोबोट्स या एंड्रॉइड्स ने पाल पोसकर बड़ा किया है। इस शो की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही कमाल की है, एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह। ओह बाय द वे, इसके पहले तो एपिसोड रिडली स्कॉट ने डायरेक्ट किए हैं और ये इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। यस, दैट रिडली स्कॉट। इसके अभी तक 5 एपिसोड्स आ चुके हैं और पहले एपिसोड से ही आप समझ जाते हो कि भाई साहब, ये शो तो नेक्स्ट लेवल वाला है। अनफॉर्चुनेटली ये डायरेक्टली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर इसे देखना है तो आपको फिलहाल तो VPN वगैरह का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। होपफुली HBO Max भी जल्द ही ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होगा। माने कि इसका डायरेक्शन, सेट डिजाइन, सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स A+ क्लास के हैं। बट इसकी स्टोरी कोई आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट नहीं है, वही घिसीपिटी ह्यूमंस वर्सेस एलियंस और ह्यूमंस वर्सेस रोबोट वाली कहानी। घिसीपिटी बट थोड़े नए कंसेप्ट के साथ। आई लाइक इट। साइंस फिक्शन में और क्या ही नया कर सकते हो आप। जो भी है, पहले 5 एपिसोड में तो इसकी कहानी काफी अच्छी लग रही है। माना कि थोड़ी स्लो है, बट हाँ, इतना पैसा डाला है और ये एक नया शो है, कैरेक्टर और स्टोरी डेवलपमेंट में तो टाइम लगेगा ही। अच्छी बात यह है कि इसके हर एक फ्रेम में कमाल के विजुअल्स हैं, तो आप इससे बोर तो पक्का नहीं होने वाले। जबरदस्त सिनेमाटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन के साथ साथ इसका कास्ट भी कमाल का है, भर भर के पैसा डाला है इसमें। अब आधे अधूरे शो को रेट तो नहीं कर सकते, बट अब तक जितना देखा है ये सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10 शो है। इसका ऑनेस्ट रिव्यू तो सीजन 1 खत्म होने के बाद ही आएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन स्टोरी की। अगेन, इस वाले सेक्शन में थोड़े स्पॉयलर्स आने वाले हैं। ये कहानी है फ्यूचर में सन 2145 के बाद वाली दुनिया की। इस साल ह्यूमंस और एंड्रॉइड्स यानी रोबोट्स के बीच रिलीजन को लेकर जबरदस्त जंग छिड़ गई थी और इसी वजह से अर्थ में काफी तबाही हो गई। प्लैनेट अर्थ की बैंड बजाकर दोनों पार्टी स्पेस में दूसरे ग्रह की तलाश में निकल गए। इस लड़ाई के बाद ह्यूमंस एकदम कट्टर रिलीजियस बन गए हैं और एंड्रॉइड चाहते हैं कि वो आने वाली पीढ़ी के ह्यूमंस को रिलीजन से दूर रखें। ना इनके बीच रिलीजियस डिफरेंसेस होंगे और ना ही ये आपस में लड़ेंगे और इनकी सोच भी थोड़ी लॉजिकल हो जाएगी। ऐसे ही दो एंड्रॉइड्स मदर एंड फादर केपलर 22b नामी प्लैनेट पर जाकर ह्यूमंस के नेक्स्ट जनरेशन को टेस्ट करते हैं। केपलर 22b एक्चुअल में एक रियल प्लैनेट है जिसकी खोज हाल ही में हुई थी, पिछले डिकेड। कहा जाता है कि फ्यूचर में ये प्लैनेट हमारे लिए हैबिटेबल हो सकता है। चांसेस है कि अब भी कोई और एलियन प्रजाति वहां पर रह रही हो। प्रॉब्लम बस इतना है कि ये प्लैनेट अर्थ से 587 लाइट ईयर्स दूर है। लगता है कि फ्यूचर में हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एनीवेज, इस नए प्लैनेट पर मदर अपने साथ लाए बायोलॉजिकल सैंपल की मदद से 6 बच्चों को जन्म देती है, सारे अलग अलग रेस के बच्चे, और बस ये लोग इनके मम्मी पापा बनके इसी प्लैनेट पर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। अगर बच्चों को यहाँ पर पीसफुली जिंदा रहना है तो एक ही कंडीशन है, वो किसी रिलीजन को नहीं मान सकते। गलती से भी अगर मदर ने इन्हें प्रे करते हुए देख लिया तो बस खत्म समझो। एक दिन स्पेस में भटकते हुए रिलीजियस ह्यूमंस मदर, फादर और उनकी फैमिली को ढूंढ लेते हैं। ये लोग मदर से उसके ह्यूमंस बच्चों को छीनना चाहते हैं ताकि उनकी परवरिश इंसानों के बीच हो। तो ह्यूमंस नहीं चाहते कि देयर चिल्ड्रन शुड बी रेज्ड बाय वुल्व्स। समझ गए ना अब इसके टाइटल का असली मतलब। ऑब्वियसली मदर अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती और इनके बीच लड़ाई शुरू होती है। जल्द ही सारे ह्यूमंस समझ जाते हैं कि ये मदर कोई बच्चे पालने वाली आम एंड्रॉइड नहीं है, और बस इतना ही। आगे की सारी कहानी स्पॉइलर से भरी पड़ी है। ह्यूमंस के बीच वो लड़ाई क्यों हुई थी, मदर और फादर को इस प्लैनेट पर किसने भेजा, मदर एक्चुअल में कौन या फिर क्या चीज है, ये भाई साहब की क्या कहानी है, अर्थ के बाद ह्यूमंस का अब क्या फ्यूचर होगा, वो सब जानना है तो इस शो को देखना शुरू कर दो। अगर नहीं भी जानना तब भी देख लो, एटलीस्ट इसका episode 1 तो देख ही डालो, फिर डिसाइड करना कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। मैं तो भाई इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ही काफी इंप्रेस हो गया था। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट 1।